1 अक्टूबर से शुरू होने वाली शासकीय समर्थन मूल्य धान खरीदी प्रक्रिया में विलंब करने एवं किसानों को बारदाना उपलब्ध न कराने को लेकर गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल जिला प्रशासन पर उखड़े नजर आए। आज उन्होंने जिलाधिकारी गोंदिया को पत्र देकर 3 दिन में धान खरीदी प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, अन्यथा तीव्र आंदोलन के संकेत दिए। विधायक विनोद अग्रवाल ने कहा कि 1 नवंबर से शासकीय धान खरीदी केंद्रों की शुरुआत की जा चुकी है, परंतु अब तक इन केंद्रों में धान खरीदी नहीं की जा रही है। किसानों द्वारा काटी हुई धान की फसल बाहर खुले में रख शासकीय धान खरीदी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद धान खरीदी न होने से धान बाहर रखा बेमौसम बारिश में खराब होने की राह पर है। विधायक अग्रवाल ने कहा कि धान खरीदी को लेकर जिला प्रशासन की जो भी समस्या है वो 3 दिन के भीतर समाप्त कर धान खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ करें। इन्होंने कहा कि किसान आर्थिक संकट में है, धान खरीदी शासकीय स्तर पर न होने से किसानों को मजबूरी में निजी हाथों बेचना पड़ रहा है। प्रत्येक ग्राम में समस्या विकराल है, अगर 3 दिन में समाधान नहीं हुआ तो मजबूरी वश तीव्र आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। BCN न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।